क्वेश्चन नंबर वन, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। नीचे जो पेयर ऑफ पॉइंट दे रखा है उसके बीच का डिस्टेंस निकालिए। पेयर ऑफ पॉइंट का मतलब क्या होता है कि दो दो पॉइंट रहेगा उसके बीच का डिस्टेंस निकालना रहेगा। जैसे फर्स्ट में देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है -6.7 और सेकेंड पॉइंट है -1.-5। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मान लीजिए दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1.y1 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2.y2। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, दो पॉइंट है ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट है x1.y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2.y2। तो ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा ए बी, यही ना इसके बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे होता है ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर, पूरा रहेगा अंडर रूट में। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पे भी दो पॉइंट दे रखा है, तो आप एक पॉइंट को P मान लीजिए, एक पॉइंट को Q मान लीजिए। आप चाहिए तो A B भी मान सकते हैं आपका मन। जैसे हम एक पॉइंट को मान लेते हैं P, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट P -6.7 एंड सेकेंड पॉइंट को मान लीजिए Q, तो यहाँ पे हो जाएगा Q -1.-5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, इसी तरीके से करना है जैसे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दो पॉइंट है, एक P है और एक Q है, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ फिगर बना लीजिए। ये हो गया P और ये हो गया Q। P का कोऑर्डिनेट दे रखा है -6.7 और Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है -1.-5। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक को कोऑर्डिनेट को x1.y1 मान लीजिए और सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2.y2 मान लीजिए। आप एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, सारा आपसे बन जाएगा। तो इसी तरीके से करना है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1.y1 और सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2.y2 मान लेना है। अब बताइए दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी क्यू होगा ना। तो यहाँ पे लिखिए पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला जो अभी आपको बताए थे, ये होता है x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ये पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे देखिएगा x2 का वैल्यू कितना, -1 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। इसके बाद x1 का वैल्यू बताइए -6। तो जब यहाँ पे आप -6 रखिएगा x1 के जगह पे, तो पहले से यहाँ पे माइनस है, तो -- प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +6। ये +6 क्यों हुआ आपको आ रहा है समझ में, क्योंकि यहाँ पे पहले से ऑलरेडी माइनस था और x1 का वैल्यू भी -6 है। तो जब यहाँ पे आप -6 रखिएगा तो -- प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस डालिए, फिर y2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -5 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 और y1 का वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा -7। ये माइनस पहले वाला ही माइनस है, y1 का वैल्यू 7 था तो इसके जगह 7 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू को आप ध्यानपूर्वक पुट करिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 6-1 कितना 5 होगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो -5-7 ये हो जाएगा -12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे बताइए -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +144। यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए तो यह आ जाएगा 169 और जब इसका रूट निकालेगा तो यह आ जाएगा 13। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 13 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी दो पॉइंट है, एक है a+b, b+c और सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a-b, c-b। तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, एक पॉइंट को मान लीजिए P, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट P a+b (b+c) और सेकंड पॉइंट को मान लीजिए Q, तो यहाँ पे हो जाएगा Q a-b, c-b। इतना तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट लिखिए, ये है a+b, b+c और Q का कोऑर्डिनेट लिखिए तो ये है a-b, c-b। अब वही काम करना, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लीजिए x1, y1 और सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लीजिए x2, y2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा पी क्यू, तो यहाँ पे लिखिए पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, वहीं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, तो x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा ध्यानपूर्वक, तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे देखिए पहले x2 का वैल्यू बताइए, x2 का वैल्यू है a माइनस बी, तो यहाँ पे रखिए a माइनस बी x2 के जगह, इसके बाद माइनस है तो माइनस का सिंबल डालेंगे, और x1 तो x1 का वैल्यू a प्लस बी है तो इसको रखिएगा ब्रैकेट में क्योंकि आगे निगेटिव सिंबल है, इस तरीके से पूरा पी स्क्वायर डालिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद प्लस है तो प्लस डालेंगे, फिर बाई टू का वैल्यू देखिए, बाई टू का वैल्यू है सी माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस बी, फिर माइनस है तो माइनस, और बाई वन का वैल्यू है बी प्लस सी, तो यहाँ पे इसको ही ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि आगे निगेटिव है, ये पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी, इस ब्रैकेट को हटाइए, तो ब्रैकेट को हटाइएगा तो अंदर वाला जो साइन है वो बदल जाएगा, यहाँ पे क्योंकि आगे निगेटिव साइन बोला है ना, तो प्लस वाला दोनों माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस a माइनस बी, अब पूरा पे स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर डाल दीजिए प्लस, और इस तरह भी ब्रैकेट के अंदर वाले को कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे है c माइनस बी, और यहाँ पे भी ब्रैकेट को हटाइए तो दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी, अब पूरा पे स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे a प्लस में a माइनस में, और यहाँ पे देखिए c प्लस में और c माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस टू बी, तो हो जाएगा माइनस टू बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए माइनस बी और माइनस बी, तो यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस टू बी, तो हो जाएगा माइनस टू बी का होल स्क्वायर, तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे 2b का होल स्क्वायर कितना होगा माइनस टू का स्क्वायर 4, अब b का स्क्वायर करेगा तो बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी 4b स्क्वायर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके बाद देखिए आप 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो कॉमन किस ले लीजिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को ऐड करिएगा तो आ जाएगा 8b स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखिए 8 का रूट निकालिएगा तो कितना होगा, 8 का रूट निकालिएगा तो 2 रूट 2 हो जाएगा, अब बी स्क्वायर से बी बाहर आ जाएगा। आराम समझ में ये कैसे आया, जैसे अंडर रूट एट का अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, एट को आप लिखिएगा फोर इंटू टू, अब फोर से दो बाहर आएगा, एक दो अंदर ही रह जाएगा तो टू रूट टू, अब बी स्क्वायर से बी बाहर आ गया, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा टू रूट टू इंटू बी यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे भी दो पॉइंट दे रखा, एक का कोऑर्डिनेट है ए साइन अल्फा कॉमा माइनस बी कॉस अल्फा, और सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है माइनस ए कॉस अल्फा और कॉमा बी साइन अल्फा, तो यहाँ पे भी वही काम करना है आपको, एक पॉइंट को मान लीजिए पी, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट पी ए साइन अल्फा कॉमा माइनस बी कॉस अल्फा, और सेकेंड पॉइंट को मान लीजिए क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू माइनस ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा, इस तरीके से। इसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, यहाँ पे लिखिए P के कोऑर्डिनेट को, तो ये दे रखा है A साइन अल्फा कॉमा माइनस बी कॉस अल्फा, और यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट को लिखिए माइनस A कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा। इसके बाद वही काम करना, एक के कोऑर्डिनेट को X1 कॉमा Y1 मान लीजिए, और सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को X2 कॉमा Y2। इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू को पुट करिएगा तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे देखिए एक्स टू का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए एक्स टू का वैल्यू है माइनस ए कॉस अल्फा, तो x2 की जगह आ जाएगा माइनस ए कॉस अल्फा, इसके बाद माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए a साइन अल्फा, तो यहाँ पे रखिए a साइन अल्फा, अब पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से देखिएगा इसको, इसके बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, फिर बाई टू, तो बाई टू का वैल्यू है b साइन अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा b साइन अल्फा, इसके बाद माइनस है तो माइनस, और बाई वन का वैल्यू देखिए, तो बाई वन का वैल्यू माइनस बी कॉस अल्फा, तो जब माइनस यहाँ पे आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट,
यहाँ पे देखिए दोनों निगेटिव में है ना, जब भी दोनों निगेटिव में रहे ना तो इसको दोनों को आप पॉजिटिव करके लिख दीजिए। जैसे कहने का मतलब है ए कॉस अल्फा प्लस ए साइन अल्फा, दोनों को पॉजिटिव करके। अब ऐसे क्यों हुआ ये भी आपको हम समझाते हैं, और यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बी साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए दोनों निगेटिव को हम पॉजिटिव कर दें, क्योंकि जो कि यहाँ पे देखिए जैसे माइनस टू और माइनस थ्री, माइनस टू और माइनस थ्री का होल स्क्वायर रहेगा, तो क्या आप इसको टू प्लस थ्री का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल आप लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस टू माइनस थ्री कितना होगा, माइनस फाइव, माइनस फाइव का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेगा तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पे भी इसका स्क्वायर करेगा तो 5 का स्क्वायर होगा जो कि 25 आएगा। तो अब दोनों निगेटिव रहेगा तो उसको दोनों को आप पॉजिटिव करके लिख सकते हैं। अब क्यों लिखते हैं वो भी यहाँ पे समझिए, जैसे माइनस टू माइनस थ्री का होल स्क्वायर था, जैसे आप माइनस कॉमन लीजिएगा, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे कितना, ये जो माइनस दो है ये प्लस टू हो जाएगा, और ये जो माइनस थ्री है ये भी प्लस थ्री हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर है पूरा पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर को भी आपको पूरा के ऊपर डालना होगा इस तरीके से। आ रहा बात समझ में? अब देखिए जैसे आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, माइनस के ऊपर भी और टू प्लस थ्री के ऊपर भी। तो माइनस का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और टू प्लस थ्री का स्क्वायर करिएगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, टू प्लस थ्री का होल स्क्वायर। तो देखिए इसके आगे प्लस आ गया, तो यही तो आपको समझा रहे हैं कि जब भी दोनों नेगेटिव रहे तो उसको आप सीधे पॉजिटिव करके लिख दीजिए, और पॉजिटिव कैसे होता है तो वो इस तरीके से होता है। तो इसके बाद अब यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे देखिए ये टूटेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, और ये भी टूटेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो इसको तोड़िए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे ए स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर। हम पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको कहीं पे भी कोई स्टेप में दिक्कत ना हो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा टू ए के जगह ए कॉस अल्फा और बी के जगह ए साइन अल्फा। इसके बाद यहाँ पे आइए प्लस, इस वाले में आइए तो ये भी टूटेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर डेट मीन्स बी साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू और ए के जगह बी साइन अल्फा और बी के जगह बी कॉस अल्फा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे देखिए ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर है ना, तो जब भी अब ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, ए के ऊपर भी और कॉस अल्फा के ऊपर भी। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, अब यहाँ पे वी स्क्वायर हटाइएगा तो दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे एक से समझिए, जैसे कॉस अल्फा का होल स्क्वायर करेगा तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर अल्फा, जब साइन अल्फा का होल स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर अल्फा। जब आप ट्रिगो पढ़िएगा तो ये चीज़ और आपको कंप्लीटली आ जाएगा समझ में। तो यहाँ पे आप इतना ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे है टू, यहाँ पे ए इंटू ए करिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस। यहाँ पे भी ये ब्रैकेट हटाइए तो स्क्वायर है जो दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, यहाँ पे भी स्क्वायर हटाइए तो दोनों के ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा टू बी इंटू बी कितना बी स्क्वायर, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देखिए ये दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों में आपको यहाँ पे देखिए स्क्वायर छूट गया है, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद यहाँ पे ये दोनों में आपको भी कॉमन दिख रहा होगा, ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बी स्क्वायर ना, तो वो दोनों से बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो बी स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा
प्लस, और यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों से ए स्क्वायर कॉमन लिए हैं, इधर ये दोनों से बी स्क्वायर कॉमन लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे प्लस डालिए, यहाँ पे दो टर्म और है आपके पास, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आप बताइए कि ये दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको टू दोनों में दिख रहा होगा, टू यहाँ पे भी है और टू यहाँ पे भी है, और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा यहाँ पे भी है और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या कॉमन होगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। आ रहा बात समझ में, क्योंकि ये वाला टर्म दोनों में है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो जब टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखिए ए स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचेगा सिर्फ बी स्क्वायर ना, तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए, इसके बाद आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री में आप एक फॉर्मूला पढ़िएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू होता है वन। ये आप अभी इसको याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू वन होता है, तो जहाँ जहाँ आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा दिख रहा है वहाँ पर हम वन पुट करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो इसके जगह कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू वन ए स्क्वायर ही रहेगा प्लस, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह वन पुट हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इंटू वन बी स्क्वायर रहेगा प्लस, और इसको जैसे वैसे रहने दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा टू साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके बाद हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्लस को ध्यान से देखिएगा, प्लस के इधर और प्लस के उधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो आप यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, जब इसको आप कॉमन ही ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं तो वन बचेगा ना, तो इसके जगह पे बचेगा वन, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और इस वाले टर्म की जगह क्या बचेगा, ये वाला तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो यहाँ पे लिख दीजिए टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों तरफ से, तो यहाँ पे हम इसको कॉमन ले लिए, तो जब आप इसको कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा वन बचेगा, देखिए जो भी टर्म कॉमन लिया जाता है उससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिए तो इसको डिवाइड करिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वन बार में कटेगा, तो यहाँ पे वन इस तरफ डिवाइड करेगा तो ये पूरा कट जाएगा, ये वाला बचेगा, तो यहाँ पे ये वाला आ गया। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रहने दीजिए, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ओवन है ना, ओवन को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, काहे कि यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है वन के इक्वल, तो वन के जगह भी तो आप लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपोजिट, जैसे ये दोनों के जगह आप वन लिख सकते हैं, तो वन के जगह भी ये दोनों लिख सकते हैं, तो वन के जगह पुट करना होगा आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे प्लस टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये तो पहले से था तो ये तो लिखा है ही, यहाँ पे हम ओवन के जगह ये वाला पुट कर दिए हैं। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, और ये वाला देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, नहीं आ रहा फॉर्मूला पे, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा को आप साइन अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉस अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देखिए तो ये फार्मूला पे आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, किसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, डेट मीन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। आ रहा बात समझ में, अब देखिए दोनों इंटू में है ना, यहाँ पे स्क्वायर ये अंदर में है, तो जब यहाँ दोनों इंटू में है तो यहाँ पे ये स्क्वायर के टर्म में है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू, ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है वो रूट में ही रह जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ये चीज़ आपको समझ आया कि नहीं आया, जैसे नहीं आया तो यहाँ पे देखिए, अगर अंडर रूट
टू और इन टू थ्री का स्क्वायर रहेगा इस तरीके से, अंदर रूट टू इंटू थ्री का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू निकालना है, तब कैसे निकालिएगा, दो का तो रूट निकलेगा नहीं, तो दो तो रूट में ही रह जाएगा, और थ्री का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से तो रूट खत्म हो जाएगा, तो थ्री का स्क्वायर से थ्री बाहर आ जाएगा, तो थ्री बाहर आ जाएगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा थ्री रूट टू। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ, ये पूरा पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो ये बाहर निकल गया, और इसका तो रूट निकलेगा नहीं, तो ये अंदर ही रह गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दोनों के ऊपर है और दोनों प्लस साइड है ना, अगर इनटू साइड रहता दोनों तो बाहर निकल जाता ये भी, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस साइड है। जैसे दो का स्क्वायर, यहाँ पे फोर का स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं थ्री का स्क्वायर, तो क्या यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं फोर प्लस थ्री? कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि होगा ही नहीं ये चीज़। तो वही चीज़ यहाँ पे भी, ये रूट में ही रह गया और ये बाहर आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पे देखिए दो पॉइंट है, एक है ए कॉमा जीरो और एक है जीरो कॉमा बी, तो यहाँ पे भी आपको लेट करना होगा, लेट पी ए कॉमा जीरो एंड क्यू जीरो कॉमा बी। एक पॉइंट को मान लीजिए एक्स वन वाई वन, एक को एक्स टू बाई टू, तो यहाँ पे देखिए इसको मान लेते हैं एक्स वन कॉमा बाई वन, और ये सेकंड पॉइंट को मान लीजिए एक्स टू कॉमा बाई टू। यहाँ पे दो पॉइंट था पी और क्यू, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा अंदर रूट एक्स टू, तो एक्स टू का वैल्यू कितना है, जीरो है, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो माइनस, और एक्स वन का वैल्यू ए है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, तो जीरो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए बाई टू का वैल्यू कितना, बी है, तो यहाँ पे बी माइनस, और बाई वन का वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे जीरो। वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पी के इक्वल टू अंडर रूट जीरो माइनस ए कितना होता है, माइनस ए रहेगा, तो माइनस ए का होल स्क्वायर, और बी माइनस जीरो बी रहेगा, तो ये हो जाएगा बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट माइनस ए का स्क्वायर करें तो कितना, ए स्क्वायर, अब बी का स्क्वायर करेगा तो बी स्क्वायर। इसके बाद तो इसका तो कुछ होगा नहीं, तो यही आपका आंसर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए भेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स थ्री कॉमा ए एंड फोर कॉमा वन इज अंडर रूट टेन। कह रहा है कि ए का वैल्यू बताइए, और यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट है थ्री कॉमा ए और एक पॉइंट है फोर कॉमा वन, और दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा वो दे रखा अंडर रूट टेन। तो यहाँ पे देखिए आप एक पॉइंट को पी मान लीजिए, एक पॉइंट को क्यू मान लीजिए, यहाँ पे मानिए लेट पी थ्री कॉमा ए एंड क्यू फोर कॉमा वन, इस तरीके से आप लेट कर लीजिएगा, और यहाँ पे दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है, तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, पी क्यू होगा ना, तो यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट टेन। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे पी है और एक पॉइंट क्यू है, इसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है अंडर रूट टेन, और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है थ्री कॉमा ए और क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट है फोर कॉमा वन, इस तरीके से यहाँ पे एक को मान लीजिएगा एक्स वन कॉमा बाई वन, और सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स टू कॉमा बाई टू। अब यहाँ पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू का वैल्यू कितना है, अंडर रूट टेन है, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट टेन इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो एक्स टू, एक्स टू का वैल्यू कितना फोर, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर माइनस, और एक्स वन का वैल्यू थ्री है, तो यहाँ पे थ्री हो जाएगा प्लस, बाई टू का वैल्यू बताइए, तो बाई टू का वैल्यू वन है माइनस, बाई वन का वैल्यू ए, तो यहाँ पे ए रखिए का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए रूट को हटाने के लिए क्या करिएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, तो यहाँ पे करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेगा तो इस तरफ हो जाएगा अंडर रूट टेन का होल स्क्वायर, और इस तरफ हो जाएगा यहाँ पे देखिए फोर माइनस थ्री कितना वन ना, तो वन का स्क्वायर वन, यहाँ पे वन लिख देते हैं प्लस इधर वन माइनस एक का होल स्क्वायर, ये पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज आपको आ रहा है समझ में? जैसे यहाँ पे हम घटा लिए तो फोर माइनस थ्री वन होता है, वन का स्क्वायर करेगा तो वन ही रहेगा, अब पूरा पे ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे टेन, इस तरह भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा वन प्लस, और इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब वन का स्क्वायर वन ही रहेगा,
प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह है ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो कितना 2a हो जाएगा ना इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको देखिए 10 को उस तरफ लेके जाइए, तो यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस टू ए, और 1 प्लस 1 2, और 10 को इधर लाके माइनस करिए तो 2 माइनस 10 कितना माइनस 8 इक्वल टू 0। ये सब तो आपको आ रहा होगा समझ में, ये सब तो कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं इसके बाद। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 8 आएगा, और माइनस 8 को दो नंबर में ब्रेक करना है ताकि ऐड करने पे माइनस 2 आ जाए, तो कितना हमें 4 और 2, और 4 को रखिएगा निगेटिव, तो ये माइनस 4a प्लस 2a और माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन ले लीजिए a, तो a माइनस 4, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे भी बचेगा a माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए a माइनस 4 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो a माइनस 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो जब a माइनस 4 को आप बाहर निकालेगा तो यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट कर दीजिए, तो a माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 4 हो जाएगा, और a प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बताइए a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2, तो a का दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा 4 और एक वैल्यू आएगा माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखिए कह रहा है द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑफ 10 यूनिट, एक लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना दे रखा है, तो 10 यूनिट दे रखा है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लेते हैं एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, और यहाँ पे पी क्यू का लेंथ दे रखा है 10 यूनिट, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, इसके बाद बोला एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वन इन पॉइंट आर 2, -3, इस लाइन सेगमेंट के वन इन पॉइंट का, तो यहाँ पे दो इन पॉइंट है, एक है पी और एक है क्यू, तो एक इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, -3, तो आप किसी को ही मान लीजिए, या तो पी को या तो क्यू को, जैसे हम क्यू को मान लेते हैं 2, -3। इसके बाद देखिए, इसके बाद बोला इफ द एब्सिसिया ऑफ द अदर एंड इज 10, और दूसरे एंड, तो दूसरा एंड ही ना होगा, जैसे दो एंड है तो एक तो हो गया तो दूसरा एंड ये वाला बचेगा, तो बोला कि दूसरे एंड के एब्सिसिया का जो वैल्यू है वो दे रखा है 10। एब्सिसिया का मतलब क्या होता है, एब्सिसिया का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, अरे बस समझ में, एब्सिसिया का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। तो आपको पता है कि पहला जो वैल्यू होता है वो एक्स का, दूसरा वैल्यू होता है वो वाई का, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेट में जो पहला वैल्यू होता है वो एक्स वाला और दूसरा वैल्यू वाई वाला, तो यहाँ पे एब्सिसिया का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की जगह आ जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। तो बोला फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड, तो दूसरे एंड के ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, ऑर्डिनेट का मतलब बाई वाला, एब्सिसिया मतलब एक्स और ऑर्डिनेट मतलब बाई, तो यहाँ पे दूसरा होता है बाई, तो यहाँ पे ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, तो ऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं बाई, यानी बाई वाला कोऑर्डिनेट को हम बाई मान लेते हैं, तो ये 10 को हम बाई कैसे आया आपको समझ आ रहा होगा। जैसे एक बार और देख लीजिए, जैसे बोला था एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ दे रखा था 10, तो यहाँ पे हम एक लाइन सेगमेंट पी क्यू मान लिए हैं जिसका लेंथ है 10। इसके बाद बोला कि इस लाइन सेगमेंट के वन एंड का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -3, तो यहाँ पे देखिए हम मान लिए इसके एक एंड का कोऑर्डिनेट क्यू है जो कि 2, -3 है। अब बोला कि दूसरे एंड, तो दूसरे एंड ये पी पॉइंट का बात हो रहा है, तो दूसरे एंड में जो एब्सिसिया है उसका वैल्यू 10 है, तो एब्सिसिया का मतलब एक्स वाला, तो एक्स का वैल्यू 10 हो गया, तो बोला कि ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा उस एंड का, तो ऑर्डिनेट का मतलब बाई वाला, तो यहाँ पे ऑर्डिनेट को यहाँ पे हम बाई लेट कर लिए, तो यहाँ पे मेन रूप से आपको बाई का ही वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिए लेट द लाइन सेगमेंट, लेट द लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड क्यू का कोऑर्डिनेट दे रखा था 2, -3 इस तरीके से। तो यहाँ पे अब आप लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, तो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस पी क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद देखिएगा पी क्यू का वैल्यू 10 है ना, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 10, और यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो x2, तो यहाँ पे देखिएगा एक को मान लीजिए x1, y1 और सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2, y2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा माइनस, और x1 का वैल्यू कितना है, तो x1 का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस, इसके बाद y2 है तो y2 का वैल्यू -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, और y1 का वैल्यू y, तो यहाँ पे हो जाएगा -y।
का होल स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेगा तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, इस तरफ हो जाएगा पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए 2 माइनस 10 कितना, माइनस 8 ना, तो ये हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ये पूरा पे आपको स्क्वायर डालना होगा इस तरीके से। यहां तक तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। इसके बाद देखिए तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64। और यहाँ पे देखिए दोनों निगेटिव है, आपको हम पहले भी सिखाए थे जब भी दोनों निगेटिव रहे तो इसको आप दोनों को पॉजिटिव करके लिख दीजिए। और क्यों पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे अगर रहेगा माइनस एक्स और जैसे इसको छोड़िए माइनस टू और माइनस थ्री का होल स्क्वायर रहेगा, तो आप इसमें क्या करिएगा जैसे माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस दो हो जाएगा प्लस टू, माइनस थ्री हो जाएगा प्लस थ्री, इस तरीके से आएगा। ये जो स्क्वायर है पूरा के ऊपर है तो इस स्क्वायर को डालिए पूरा के ऊपर इस तरीके से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। जैसे ही आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, इस माइनस के ऊपर भी और यहाँ पे टू प्लस थ्री के ऊपर भी। तो माइनस का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा प्लस, और टू प्लस थ्री का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा टू प्लस थ्री का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे दोनों आ गया पॉजिटिव के फॉर्म में। तो जब भी दोनों निगेटिव रहे और पूरा पे स्क्वायर रहे तो आप दोनों को पॉजिटिव करके लिख दीजिए। आइए इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे भी हम वही काम किया, दोनों निगेटिव था तो दोनों को पॉजिटिव कर दिए। तो इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इक्वल टू 64 प्लस, यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 को इधर ला के माइनस करिए तो ये हो जाएगा उधर था बाई स्क्वायर प्लस 6y, और यहाँ पे 100 को इधर ला के माइनस करिए, यहाँ पे है 64 प्लस 9 तो यहाँ पे हो जाएगा 73, और उससे 100 माइनस करिए तो कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस 27। इस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो जीरो बचेगा। अब यहाँ पे तो फैक्टराइज कर लेना है, ये तो आपको आता ही करने, ये टूट जाएगा बाई स्क्वायर माइनस 27 को तोड़िए तो यहाँ पे टूटेगा 9y और माइनस 3y, माइनस 27 इक्वल टू जीरो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर ये दोनों से इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए तो बाई कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बाई प्लस 9 आएगा, और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे भी बाई प्लस 9 आएगा। अब बाई प्लस 9 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो बाई प्लस 9 को बाहर निकालिए तो यहाँ पे बचा बाई और यहाँ पे माइनस 3 इक्वल टू जीरो। अब बारी बारी से जीरो पुट कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा बाई प्लस 9 इक्वल टू जीरो, तो बाई का वैल्यू आ जाएगा माइनस 9, इस तरफ हो जाएगा बाई माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो बाई का वैल्यू आ जाएगा प्लस 3। तो यहाँ पे बाई का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा माइनस 9 और एक आएगा प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोल रहा है सो डेट द पॉइंट्स माइनस 4 कॉमा माइनस 1 माइनस 2 कॉमा माइनस 4 4 कॉमा 0 एंड 2 कॉमा 3 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। मतलब शो करिए कि ये जो चार पॉइंट दे रखा है वो चारों पॉइंट रेक्टेंगल का वर्टाइसेस है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, और साथ ही साथ हम पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है। तो देखिए आपको पता है कि रेक्टेंगल जो होता है इसमें अपोजिट साइड सेम होता है, ऐसी रेक्टेंगल को थोड़ा सा आप सिर्फ स्लाइंट कर दीजिएगा। देखिए ये वाला साइड वाला को सिर्फ आप स्लाइंट कर दीजिएगा मतलब तिरछा, तो यही रेक्टेंगल बन जाएगा पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड क्या होता है, सेम होता है। तो ये तो एक प्रॉपर्टी दोनों का इक्वल आ गया, जैसे यहाँ पे इसका अपोजिट साइड सेम डेट मीन्स ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी का, एंड इस तरफ से ए डी और बी सी भी आपस में इक्वल हो जाएगा। और पैरेललोग्राम में भी वही चाहिए अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो यहाँ पे भी ए बी और सी डी इक्वल हो जाएगा, और इस तरफ से देखिएगा तो ए डी और बी सी भी आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का अपोजिट साइड इक्वल होता है। अब रहा बात इसका डायगोनल का, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो आपस में इक्वल होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका डायगोनल इक्वल होगा डेट मीन्स ए सी और बी डी आपस में इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो आपस में इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखिए ऑल्सो ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होगा और पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल नहीं होगा, बट अपोजिट साइड दोनों का सेम होता है। तो आप इस प्रॉपर्टीज को ध्यान रखिएगा, दोनों को कंपेयर करके याद रखिएगा ना, तो आसानी से याद रहेगा कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों का अपोजिट साइड सेम होता है
और रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होगा, लेकिन पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल ड्रा कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, हम एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिए ए बी सी और डी, और यहाँ पे इसके वर्टेक्स को भी हम शो कर दिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, लेट ए माइनस फोर कॉमा माइनस वन, उसके बाद बी माइनस टू कॉमा माइनस फोर, फिर हो जाएगा सी फोर कॉमा जीरो, एंड जो फोर्थ वर्टेक्स होगा डी उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा टू कॉमा थ्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पहले इतना काम आप भी कर लीजिएगा। यहाँ पे बोला था कि ये जो वर्टेक्स है वो रेक्टेंगल का वर्टेक्स है, तो यहाँ पे लिखिए हेयर बी नीड टू शो डैट, हमको यहाँ पे क्या शो करना है, जो यहाँ पे पहले आपको लिखना होगा बी नीड टू शो डैट। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का वर्टेक्स शो करने के लिए यहाँ पे इसको रेक्टेंगल शो करना होगा ए बी सी डी को। तो ए बी सी डी रेक्टेंगल कब होगा, जब इसका अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स ए बी बराबर सी डी एंड इस तरफ से ए डी बराबर बी सी। यहाँ पे देखिए ए बी और सी डी ये दोनों आपस में इक्वल, इधर ए डी और बी सी ये दोनों भी आपस में इक्वल, साथ ही साथ आपको डायगोनल को भी इक्वल शो करना होगा, क्योंकि डायगोनल को इक्वल नहीं शो करेगा तो फिर तो ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में वो अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पे डायगोनल को भी इक्वल शो करना होगा, दैट मीन्स ए सी और बी डी ये भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करिए, सबसे पहले इसको इक्वल शो करिए ए बी और सी डी को। तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी का लेंथ निकालना होगा, तो ए बी का लेंथ निकालिए, तो यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे एक पॉइंट को मान लीजिए एक्स वन कॉमा बाई वन, और सेकेंड पॉइंट को मान लीजिए एक्स टू कॉमा बाई टू। अभी स्टार्टिंग है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर आपको लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स टू का वैल्यू बताइए कितना है, एक्स टू का वैल्यू है माइनस दो, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस दो, और एक्स वन का वैल्यू यहाँ पे देखिए माइनस फोर, तो जब आप माइनस फोर रखिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा प्लस फोर का होल स्क्वायर प्लस बाई टू, तो बाई टू का वैल्यू कितना है माइनस फोर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस फोर, और बाई वन का वैल्यू माइनस वन, तो जब माइनस वन यहाँ पे बाई वन की जगह रखेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे देखिए माइनस टू और प्लस फोर कितना होता है, दोनों को कैलकुलेट करिए तो दो आएगा, और दो का होल स्क्वायर करिएगा तो फोर हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, यहाँ पे बताइए माइनस फोर और प्लस वन कितना माइनस थ्री, और माइनस थ्री का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा प्लस नाइन, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट थर्टीन। तो ए बी का वैल्यू आ गया अंडर रूट थर्टीन। अब सी डी का वैल्यू निकालिए, यहाँ पे देखिए सी डी का वैल्यू निकाल देते हैं, तो यहाँ पे भी आपको निकालना होगा, ये लगाना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा फिगर में सी डी ये वाला लाइन है ना, तो एक को मान लीजिए एक्स वन वाई वन, एक को मान लीजिए एक्स टू बाई टू, आप चाहिए तो इसको ही मान सकते हैं एक्स वन वाई वन, इसको ही मान सकते हैं एक्स टू बाई टू। हम यहाँ पे मान लेते हैं ये है एक्स वन वाई वन, और इसको मान लीजिए एक्स टू बाई टू इस तरीके से। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना आपको, तो एक्स टू का वैल्यू बताइए कितना फोर है ना, तो एक्स टू की जगह आ जाएगा फोर, यहाँ पे अंदर रूट डालिए आ जाएगा फोर माइनस, और एक्स वन का वैल्यू यहाँ पे देखिए दो है तो यहाँ पे हो जाएगा टू का होल स्क्वायर, और बाई टू का वैल्यू कितना यहाँ पे देखिए बाई टू का वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो माइनस बाई वन, और बाई वन का वैल्यू थ्री, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस थ्री का होल स्क्वायर। वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए फोर माइनस टू कितना दो, और दो का स्क्वायर करिएगा तो चार आ जाएगा प्लस, जीरो माइनस थ्री कितना होगा माइनस थ्री, अब माइनस थ्री का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा प्लस नाइन, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा अंडर रूट थर्टीन। तो देखिए ए बी और सी डी दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल आ गया, तो एक अपोजिट साइड को तो इक्वल आप प्रूव कर दिए, अब आपको प्रूव करना होगा ये वाला सेकेंड अपोजिट साइड ए डी और बी सी को। तो यहाँ पे ए डी का लेंथ भी निकालना होगा, तो ए डी का लेंथ निकालिए। तो यहाँ पे हम फिगर को फिर से ड्रा कर देते हैं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस तरीके से हो जाएगा, आप ये काम मत करिएगा, आपको सिर्फ हम समझाने के लिए फिगर को फिर से ड्रा किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए डी, अब आपको ए डी का लेंथ निकालना है, इस तरफ बोला तो अपोजिट साइड इक्वल आ गया था, इसका वैल्यू आया था अंडर रूट थर्टीन, और इसका वैल्यू आया अंडर रूट थर्टीन।
अब इस तरफ वाला निकालना है ए डी और बी सी, तो यहाँ पे ए डी का लेंथ निकालिए। तो यहाँ पे भी एक्स को, एक को एक्स वन वाई वन और एक को एक्स टू वाई टू, किसी को भी आप मान सकते हैं। जैसे देखिए हम मान लेते हैं ये वाला है एक्स वन वाई वन, तो जब इसको एक्स वन वाई वन माने तो ये वाला हो जाएगा एक्स टू वाई टू। आ रहा बात समझ में इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए तब तो यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे देखिए एक्स टू है ना, तो एक्स टू का वैल्यू कितना है दो है, तो यहाँ पे हो जाएगा दो माइनस, और एक्स वन का वैल्यू यहाँ पे देखिए माइनस फोर है, तो जब यहाँ पे आप माइनस फोर पुट करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस फोर का होल स्क्वायर। इसके बाद बाई टू, तो यहाँ पर देखिए बाई टू का वैल्यू थ्री है, तो यहाँ पे थ्री माइनस, और बाई वन का वैल्यू देखिए माइनस वन, तो जब माइनस पर रखेगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए डी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे टू प्लस फोर सिक्स, और सिक्स का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा थर्टी सिक्स, और इधर थ्री प्लस वन फोर, और फोर का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा सिक्सटीन, और यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट फिफ्टी टू। तो ये हो गया ए डी का वैल्यू। अब आप निकालिए बी सी का वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए बी सी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगाइए एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बी सी, तो यहाँ पे भी एक को मान लीजिए एक्स वन वाई वन, एक को मान लीजिए एक्स टू वाई टू, किसी को भी आप एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं एक्स वन वाई वन, तो ये हो जाएगा एक्स टू वाई टू। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू एक्स टू का वैल्यू, बताइए एक्स टू का वैल्यू कितना, यहाँ पे देखिए एक्स टू का वैल्यू फोर है, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर माइनस, और एक्स वन, एक्स वन का वैल्यू माइनस दो है, तो माइनस दो रखेगा तो ये प्लस टू हो जाएगा ना, प्लस टू का होल स्क्वायर। और बाई टू का वैल्यू बताइए, तो बाई टू का वैल्यू देखिए जीरो है, और बाई वन का वैल्यू माइनस फोर है, तो जब माइनस फोर रखेगा तो ये प्लस फोर हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बी सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे फोर प्लस टू सिक्स, और सिक्स का स्क्वायर करेगा तो थर्टी सिक्स, और यहाँ पे जीरो प्लस फोर फोर, और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए तो यह आ जाएगा अंडर रूट फिफ्टी टू। आ रहा बात समझ में, तो देखिए ए डी का भी वैल्यू अंडर रूट फिफ्टी टू और बी सी का भी वैल्यू अंडर रूट फिफ्टी टू, यहाँ पे ये दोनों भी साइड इक्वल आ गया, डेट मीन्स ए डी भी अंडर रूट फिफ्टी टू और बी सी भी अंडर रूट फिफ्टी टू, तो ये दोनों भी अपोजिट साइड इक्वल आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको डायगोनल को इक्वल शो करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायगोनल का लेंथ निकालिए बारी बारी से ए सी और बी डी का। तो पहले हम ए सी का निकाल लेते हैं, तो ए सी यहाँ पे देखिएगा ए और सी, तो एक एक्स वन वाई वन, एक एक्स टू वाई टू, ये तो ऑलरेडी ही है, तो यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक्स टू वाई टू कितना फोर है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर माइनस, और एक्स वन का वैल्यू माइनस फोर, तो माइनस फोर यहाँ पर रखेगा तो ये प्लस फोर हो जाएगा का होल स्क्वायर। इसके बाद बाई टू का वैल्यू यहाँ पर देखिए जीरो है, तो ये हो जाएगा जीरो, और बाई वन का वैल्यू है माइनस वन, तो माइनस वन पुट करेगा तो पहले से माइनस, तो ये प्लस वन हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट फोर प्लस फोर एट, आई एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर, और यहाँ पे जीरो प्लस वन वन, और वन का स्क्वायर करेगा तो वन ही रहेगा, तो ए सी का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 65। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद एक डायगोनल और है बी डी, तो बी डी का भी लेंथ निकालना होगा, तो यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे भी लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट करिए, तो फिगर में देखिएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू यहाँ पे बी डी में, एक्स टू यहाँ पे है, तो एक्स टू का वैल्यू है दो, तो यहाँ पे आ जाएगा दो माइनस, और एक्स वन का वैल्यू देखिए माइनस दो है, तो जब माइनस दो यहाँ पे रखेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस टू का होल स्क्वायर। फिर बाई टू का वैल्यू बताइए, यहाँ पे देखिए बाई टू का वैल्यू थ्री है, तो ये हो जाएगा थ्री, और बाई वन का वैल्यू यहाँ पे देखिए माइनस फोर, तो जब माइनस फोर रखेगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस फोर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बी सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे देखिए टू प्लस टू फोर, अब फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, और यहाँ पे थ्री प्लस फोर सेवन, और सेवन का स्क्वायर करिएगा तो फोर्टी नाइन।
यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए, तो जब दोनों को ऐड करेगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट 65। तो यहाँ पर देखिए दोनों डायगोनल का भी लेंथ क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिएगा हेयर ए बी इक्वल टू सी डी, ये हो गया एक अपोजिट साइड, एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ये हो गया सेकेंड अपोजिट साइड। यहाँ पे लिखेगा ऑल्सो ए सी इक्वल टू बी, यहाँ पे बी डी होगा ना, यहाँ पे सी लिखा गया, इसको डी कर लीजिए, बी डी होगा, तो ए सी इक्वल टू बी डी, ये डायगोनल भी इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरीके से आपको शो कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे करा सो डेट द पॉइंट्स ए 1, -2, बी 3, -6, सी 5, -10 एंड डी 3, -2 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेलोग्राम। यहाँ पे करा के शो करिए जो चार पॉइंट दे रखा है ए बी सी डी, ये पैरेलोग्राम का वर्टाइसेस है। तो अभी आपको सिखाए थे पैरेलोग्राम का कंडीशन, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होता है बट डायगोनल इसका इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक पैरेलोग्राम ड्रा करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये ए बी सी डी एक पैरेलोग्राम है, इस तरीके से आप ड्रा कर लीजिएगा। और आपको बता पैरेलोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है बट इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं हेयर बी नीड टू शो डैट, यहाँ पे आपको क्या शो करना है जो पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए हेयर बी नीड टू शो डैट। तो यहाँ पे अपोजिट साइड आपको इक्वल शो करना है, डेट मीन्स ए बी और सी डी को इक्वल शो करना है, साथ ही साथ इस वाले अपोजिट साइड को भी ए डी और बी सी को भी इक्वल शो करना है। और यहाँ पे इसका डायगोनल तो इक्वल होता नहीं है, तो यहाँ पे लिखिए ऑल्सो ए सी इक्वल नहीं होना चाहिए बी डी का। तो यही तीन चीज आपको यहाँ पे शो करना होगा। तो यहाँ पे बारी बारी से शो करिए। तो सबसे पहले हम ए बी और सी डी को शो करेंगे। तो यहाँ पे दोनों का लेंथ निकालिए, तो पहले ए बी का निकालिए, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा ए बी, तो एक को मान लीजिए x1, y1 और एक को मान लेते हैं x2, y2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे बताइए x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - और x1 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा का होल स्क्वायर। इसके बाद y2 का वैल्यू बताइए, तो y2 का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 - और y1 का वैल्यू -2 है, तो जब -2 पुट करेगा तो ये हो जाएगा +2। इतना तो बात आता है समझ में। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट, देखिए 3 - 1 2, और 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, और यहाँ पे 6 + 2 8, और 8 का स्क्वायर करिएगा तो कितना 64 आ जाएगा। और यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा अंडर रूट 68। तो ए बी का वैल्यू आ गया अंडर रूट 68। इसके बाद आप निकालिए सी डी, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं सी डी का, तो यहाँ पे भी लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए फिगर में सी डी ये वाला है, तो एक को मान लीजिए x1 - y1, एक को मान लीजिए x2 - y2, हम इसको मान लेते हैं x1 - y1 और इसको मान लीजिए x2 - y2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा x2 का वैल्यू कितना है, 5 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। इसके बाद y2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 10 है, तो यहाँ पे 10 आएगा माइनस, और y1 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे देखिए 5 - 3 2, और 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, और इस तरफ देखिए 10 - 2 8 होगा, और 8 का स्क्वायर करिए तो 64, और यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 68। तो यहाँ पे देखिए ए बी और सी डी दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया, मतलब दोनों अपोजिट साइड इक्वल है। तो यहाँ पे तो इसको आप प्रूव कर दिए, अब आपको इसको प्रूव करना होगा ए डी और बी सी को, तो यहाँ पे भी इसका भी वैल्यू निकालना होगा ए डी का।
तो यहाँ पे देखिए एक बार हम फिगर को फिर से ड्रा कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इस तरीके का ABCD हो जाएगा। ये काम आप मत करिएगा, आपको सिर्फ हम समझाने के लिए फिगर को फिर से ड्रा किए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा AD का लेंथ निकालना है और यहाँ पे ये दोनों तो इक्वल आ गया ना, AB और CD। ये आया था अंडर रूट 68 और ये भी आया अंडर रूट 68। यहाँ पे देखिए AD, तो यहाँ पे भी आपको लगाना होगा डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो जाएगा X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए AD इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे X2 माइनस X1, तो AD है ना, तो एक को मान लीजिए X1 बाई वन, इसको हम मान लेते हैं X1 बाई वन, और सेकेंड को मान लीजिए X2 बाई टू। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो X2 माइनस X1, X2 का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस, और X1 का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। इसके बाद बाई टू माइनस वाई वन, तो बाई टू का वैल्यू 2 है माइनस, अब बाई वन का वैल्यू यहाँ पे देखिए माइनस 2 है तो ये प्लस 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए AD इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे देखिए 3 माइनस 1 दो, और 2 का स्क्वायर करेगा तो 4, और यहाँ पे 2 प्लस 2 4, और 4 का स्क्वायर करेगा तो 16, दोनों को ऐड करिए तो ये आएगा अंडर रूट 20। इसके बाद एक अपोजिट साइड आपका BC बच गया, तो BC का भी निकालिए। तो BC इक्वल टू यहाँ पे भी लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप वही काम करिए, एक को मान लीजिए X1 बाई वन और सेकेंड वाला को मान लीजिए X2 बाई टू, यहाँ पे भी वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे देखिएगा X2 है ना, तो X2 का वैल्यू कितना 5 है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस, और X1 का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा का होल स्क्वायर। फिर बाई टू, तो बाई टू का वैल्यू 10 है माइनस, और बाई वन का वैल्यू 6 है, तो 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे BC का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे देखिए 5 माइनस 3 दो, और 2 का स्क्वायर करेगा तो 4, और यहाँ पे 10 माइनस 6 4, और 4 का स्क्वायर करेगा तो 16, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा अंडर रूट 20। तो यहाँ पे देखिए AD और BC दोनों अपोजिट साइड इक्वल आ गया, तो यहाँ पे भी ये आ गया रूट 20 और ये भी आ गया रूट 20। अब आपको इसका डायगोनल का लेंथ निकालना है, और इसका डायगोनल इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहले आप AC का लेंथ निकालिए, पहले AC का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा AC इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए ए और सी। तो यहाँ पे देखिएगा X2 का वैल्यू 5 है और X1 का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। वैल्यू को आप ध्यानपूर्वक पुट करिएगा। इसके बाद Y2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 10 है तो 10 आएगा माइनस, और Y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए माइनस 2 है ना, तो माइनस 2 है तो यहाँ पे माइनस 2 रखेगा तो ये प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 1 4, और 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे 10 प्लस 2 12, और 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो आ जाएगा 160। तो ये तो हो गया एक डायगोनल। अब दूसरा डायगोनल का लेंथ निकालिए, तो दूसरा डायगोनल कौन है, BD है, तो यहाँ पे BD का लेंथ निकालिए। तो यहाँ भी डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो X2 यहाँ पे देखिएगा B और D, तो X2 का वैल्यू कितना है 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस, और X1 का वैल्यू बताइए, तो यहाँ पे देखिए X1 का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। इसके बाद बाई टू, तो बाई टू का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो बाई टू की जगह आपको रखना होगा 2 माइनस, और बाई वन का वैल्यू यहाँ पे देखिए 6 है तो 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा BD इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 3 0, और 0 का स्क्वायर 0, 2 माइनस 6 कितना -4, और -4 का स्क्वायर 16 होगा। तो यहाँ पे 0 प्लस 16 16, 16 का रूट निकालेगा तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक डायगोनल का वैल्यू आया अंडर रूट 160, और दूसरे डायगोनल का वैल्यू आया 4, जो कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, और दोनों आपस में इक्वल नहीं होना भी चाहिए था, क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल आ गया, तो यहाँ पे AB और CD, तो इसको लिखना होगा पहले, AB इक्वल आ गया CD का एंड AD इक्वल आ गया BC का। इसके बाद
यहाँ पे लिखेगा ऑल्सो ए सी इज नॉट इक्वल टू बी टी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो ए बी सी डी इज अ पैरेलोग्राम। पैरेलोग्राम को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस द गिवन पॉइंट्स, हेंस द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेलोग्राम। तो इस तरीके से आपको शो कर लेना है।